प्रदेश में फाइटर प्लेन रफाल की डील पर पॉलिटिकल फाइट फिर से शुरू हो गई। नया खुलासा फ्रेंच मीडिया पोर्टल पर हुआ है और बयानबाजियों का खेल भारत में हो रहा है। रफाल भारत के आसमान का गौरव बन चुके हैं। फ्रेंच कंपनी दसों ने 29 रफाल भारत को सौंप भी दिए हैं। 26 रफाल भारत पहुंच भी चुके हैं। ये फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना की अगली कतार में शामिल है, लेकिन इस रफाल विमान के सौदे को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों का जिन पीछा नहीं छोड़ रहा। नया खुलासा फ्रेंच मीडिया पोर्टल मीडिया पार्क ने किया है, जिसमें दावा किया गया है कि रफाल सौदे में घूसखोरी हुई थी और उसकी जांच फ्रांस में चल भी रही है। रफाल सौदे को लेकर भारत में कई सालों से राजनीति होती रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं और इन आरोपों का आधार ज्यादातर विदेशी मीडिया के खुलासे ही रहे हैं, क्योंकि भारत में इस घोटाले की कोई जांच हुई ही नहीं, ना ही डील से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज सामने आए। फ्रांस में जांच के दौरान जो खुलासे होते हैं उन्हीं के आधार पर भारत में सियासत होती है। इसी सिलसिले में अब कई तरह के नए खुलासे हुए हैं, उनमें से टॉप 5 खुलासे क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो टॉप 5 खुलासों में रफाल विमान सौदे में घुसखोरी हुई है। 2007 से 2012 के बीच यानी यूपीए के शासनकाल में 65 करोड़ रुपए दिए गए आरोपी सुषेण मोहन गुप्ता के जरिए घूसखोरी हुई। 2015 में सुषेण मोहन गुप्ता के पास डील की कॉपी थी, घूसखोरी के दस्तावेज 2018 से सीबीआई और ईडी के पास हैं। अब इन 5 खुलासों को देखते हुए इनमें से 3 आरोपों पर सफाई कांग्रेस पार्टी को देनी थी और 2 खुलासों के जवाब की उम्मीद की जा रही थी सरकार से, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की ओर से रफाल पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया कि रफाल सौदे में भयानक भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक रफाल सौदा अब तक का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है, क्योंकि सरकार ने 126 विमानों की डील को 36 विमानों पर समेट दिया और टेंडर की जगह खुद से डील कर ली। इतना ही नहीं, बिचौलिए के डील के पेपर दे दिए गए बिचौलिए को और सबूत मिलने के बावजूद सीबीआई ईडी जैसी संस्थाओं ने कोई जांच ही नहीं की, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। उधर बीजेपी ने यूपीए सरकार के दौरान हुए घोटालों का जिक्र कर दिया। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने रफाल सौदे को लेकर हुए खुलासों के आधार पर सवाल उठाए। बीजेपी ने दावा किया कि रफाल पर भ्रष्टाचार यूपीए सरकार के दौरान ही हुआ था, जब 2007 से 2012 के बीच दसों एविएशन ने बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए की घूस दी। 2001 से 2002 से रफाल की शुरू हुई बातचीत 10 साल तक सिर्फ कमीशन के पैसे फिक्स करने के लिए लटकाई जाती रही। कांग्रेस 40% के हिसाब से कमीशन चाहती थी। बिचौलिया सुषेण मोहन गुप्ता ऑगस्टा वेस्टलैंड डील का भी दलाल था और अब उल्टा चोर चौकीदार पर सवाल उठा रहा है, ये बीजेपी कहती है। तमाम कागज जो बरामद हुए सुषेण गुप्ता के यहाँ ईडी द्वारा, उसमें यह सामने दिखता है कि सुषेण गुप्ता रक्षा मंत्रालय से गोपनीय कागज लेकर दसॉल्ट को दे रहा था। 24 मार्च को यह रेड हुई, तब से लेकर आज तक सरकार ने क्यों नहीं जांच की इसकी। हमारे सौदे में निविदा भी थी, नो करप्शन क्लॉज भी था, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके नो करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया। दसों एविएशन ने लगभग 7.5 मिलियन यूरो, अगर हम इसे भारतीय रुपया में कन्वर्ट करें तो लगभग 65 करोड़ रुपीज बैठता है। तो 65 करोड़ रुपीज ये कमीशन के रूप में पे किया गया दसों एविएशन द्वारा कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है, ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगस्टा वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंग पिंग था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। तो यहां पर एक बात साफ करनी जरूरी है कि रफाल विमान सौदे को लेकर ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप और दावे किए जा रहे हैं, इसका कोई आधिकारिक खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सब विदेशी मीडिया पोर्टल के खुलासों के आधार पर ही हो रहा है और उन्हीं स्रोतों में कई सबूत होने का दावा किया गया है और उन्हीं सबूतों में से एक सबूत आरोपी दलाल का बयान भी है, जिसमें बिचौलिए ने सितंबर 2012 में दसों वालों को यह लिखा था कि सितंबर 2012 में बिचौलिए ने दसों को लिखा कि जोखिम उठाया गया है, आपके एजेंट को पैसे दिए गए हैं, आप तय कीजिए कि कानूनी तौर पर साफ सुथरा और बचाव करने लायक रहे पैसा नहीं,
फैसला नहीं, पद पर बैठे लोग पैसा मांग रहे हैं, अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो वो लोग हमें जेल में डाल देंगे। और इसका सोर्स, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स है मीडिया पार्ट। इधर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि उसी बिचौलिए ने 24 जून 2014 को यह भी लिखा था कि वो 100 कंपनी वालों को भारत में पॉलिटिकल हाईकमान से मिला सकता है। यह आरोपी, जिसका नाम अभी आपने सुना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के रिएक्शन में सुशेन मोहन गुप्ता नाम का दलाल है, जिसका नाम अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर भी सामने आया था, जिसका जिक्र अभी संबित पात्रा ने किया, बीजेपी के प्रवक्ता। तो रफाल सौदे पर यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अभी जारी है, लेकिन आपको फ्रेंच मीडिया पोर्टल मीडिया पार्ट के खुलासों के बारे में बताएं तो खुलासा कुछ ऐसा है कि दसो एविएशन ने 2001 में सुशेन मोहन गुप्ता को बतौर बिचौलिया हायर किया, तब रफाल डील की बात शुरू हो रही थी। इसके बाद 2007 से 2012 के बीच दसो एविएशन ने बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए दिए। इसके लिए मॉरिशस और सिंगापुर की शेल कंपनियों की फंडिंग की गई, दिखाया गया कि आईटी सर्विस के लिए पैसे दिए गए हैं, उसमें भी फर्जी एनवॉइस का इस्तेमाल किया गया। इन आरोपों के सबूत फ्रांस में बाहर आ चुके हैं, भारतीय एजेंसियों के पास भी हैं, लेकिन बिचौलिया ने घूस के पैसे किसे दिए, डील में शामिल वो आखिरी शख्स कौन था, इसका कोई सबूत अब तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि घूसखोरी की इस डील में कांग्रेस पार्टी शामिल थी। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन, सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये INC मतलब आई नीड कमीशन, और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। सुशेन गुप्ता डसॉल्ट के साथ सन 2000 से काम कर रहा है, अटल जी की सरकार थी, तो क्या हम अटल जी से शुरू करेंगे आरोप लगाना? अरे सौदा आपकी सरकार के तहत हुआ, आरोप भी आप पर लगेगा, जब मर्डर हुआ ही नहीं तो 302 कैसे लगेगा? तो आपने देखा कि कैसे इन दिनों बयानों में रफाल पर राजनीति का रणक्षेत्र बन चुका है। इधर बयानों की बमबाजी तो महाराष्ट्र में भी हो रही है, और सिर्फ कोरी बयानबाजी। ये विवाद ड्रग्स कांड से शुरू हुआ था, आपको याद होगा, अब ये अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुका है। एक तरफ NCB ऑफिसर के माता पिता, बहन, उनकी पत्नी को लेकर सवालों का दौर शुरू करने वाले नवाब मलिक हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फुलझड़ी और पटाखों के धमाके के बाद बात अब हाइड्रोजन बम तक जा पहुंची है। आज देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप लगाए, तो अब नवाब मलिक कल और बड़ा खुलासा करने की धमकी दे रहे हैं। खुलासे पर खुलासे का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई किसी पर केस दर्ज नहीं करा रहा है, कोई जांच भी नहीं हो रही है, कोई आरोप साबित नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हो रही है तो बयानबाजी, और इसी पर हो रही है राजनीति। ये सिलसिला कहां थमेगा फिलहाल नहीं कहा जा सकता। शाहरुख के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ सिलसिला। समीर वानखेड़े की बहन, उनकी पत्नी, समीर वानखेड़े के पिता, समीर की शर्ट, पैंट, घड़ी, जूते से होते हुए देवेंद्र फडणवीस की पत्नी तक पहुंचा। तो दूसरी ओर नवाब मलिक की बेटी नीलोफर से लेकर दामाद समीर खान से शुरू हुआ सिलसिला दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के दोस्त सलीम पटेल से होते हुए 1993 ब्लास्ट के दोषी शाह अली खान और नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में चल रही इन बयानबाजियों की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर इस्लामिक आतंकवाद के दोषियों से रिश्ते का आरोप लगाया। सलीम पटेल और शाह अली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने दाऊद गैंग के गुर्गों की संपत्ति औने पौने दाम पर इसलिए खरीद ली क्योंकि उनका दाऊद गैंग से रिश्ता है और वो आतंकवाद के दोषियों की संपत्ति बचा रहे थे। और क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात,
मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी। तो क्या ये टाडा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसीडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर कीजिए? देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर जो आरोप लगाए हैं उसके मुताबिक कुरला में 2.87 एकड़ जमीन सिर्फ 20 से 30 लाख रुपए में खरीदी गई, जो नवाब मलिक के बेटे की कंपनी सॉलिडस के नाम है। सौदे की कीमत 30 लाख रुपए दिखाई गई जबकि भुगतान सिर्फ 20 लाख रुपए का ही हुआ। उसमें भी 15 लाख रुपए सलीम पटेल को और 5 लाख रुपए सरदार वली शाह को मिले थे। ये सौदा 2005 में हुआ था जब प्रॉपर्टी की कीमत 3.50 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये सब बेबुनियाद आरोप है। सलीम पटेल जी हमारे लैंडलॉर्ड थे प्रॉपर्टी में, हम उनके टेनेंट थे, वो हमारे से हर मंथ रेंट ले लिया करते थे। हमने उनसे ये प्रॉपर्टी की लैंडलॉर्ड से बाद में खरीदी है। सलीम पटेल जी का किसी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बीजेपी का दावा है कि बेटे फराज मलिक की सॉलिडस कंपनी में नवाब मलिक भी 2019 तक शामिल थे, लिहाजा आतंकवादियों से रिश्ते रखने वाले नवाब मलिक की जांच करनी चाहिए। सभी आरोपों पर 3 बार उन्होंने कबूल 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 ये नवाब मलिक जी ने किया है। उनका उत्तर यानी सिर्फ कबूलीनामा था, कबूलीनामा है, वो उससे भाग नहीं सकते। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, अब आपको इसकी FIR दर्ज करके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। बीजेपी तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से इस्तीफे की भी मांग कर रही है, लेकिन 1993 बम धमाके के दोषियों की जमीन लेने वाले नवाब मलिक अभी एक और धमाका करना चाहते हैं। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा, कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरे। नवाब मलिक हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये और साफ कर दिया है कि वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को जानते तक नहीं, भले ही हसीना पारकर के बॉडीगार्ड सलीम पटेल से जमीन खरीद ली हो। मुंबई से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनीति के बाद अब खबर आस्था से जुड़ी हुई। पंजाब में आप जानते हैं अगले साल चुनाव है और उससे पहले आस्था की आड़ में सियासी फायदा लूटने की होड़ लगी है। इसका बड़ा केंद्र बना है पाकिस्तान का करतारपुर कॉरिडोर। गुरु नानक देव जी की पुण्य भूमि करतारपुर पाकिस्तान में है और वहां जाने के लिए 2 साल पहले एक कॉरिडोर खोला गया था। ये कॉरिडोर मार्च 2016 से बंद है, लेकिन आज उस करतारपुर कॉरिडोर के खोले जाने के 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाने नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर जा पहुंचे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गुरदासपुर बॉर्डर पहुंचे हुए थे। मौका था करतारपुर कॉरिडोर खुलने के 2 वर्ष पूरे होने का। कॉरिडोर अभी बंद है, लेकिन सिद्धू ने दूरबीन की मदद से पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन किए और लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि उन्हीं की कोशिशों से ये कॉरिडोर खुल सका है। मैं ते डाकिया सी बाबे दा, खुले आउदी मेर ना तुहाडियां अरदासां नाल। साडा की है, जिस बाबे दे निर्देश नाल लखां आकाश लखां पताल घूमदे आ इर्द गिर्द आपदे, ते कोई टकराउंदा नहीं, उहदे मूहरे साडी की औकात है मित्रा। 2 साल पहले भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया था। तब पूर्व PM मनमोहन सिंह केंद्रीय मंत्रियों के साथ पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान ने तब बड़े जोर शोर से कॉरिडोर बनाने और खोलने के दावे किए थे, लेकिन 2 साल बीतते बीतते पाकिस्तान के वो दावे हवा हवाई निकले। भारत ने अपनी तरफ से जाने वाले पुल का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन कॉरिडोर को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान से एलिवेटेड रोड का बनना भी बाकी है, जो इस ब्रिज को पाकिस्तान के साथ जोड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा भारत से आने वाले सभी श्रद्धालुओं से प्रत्येक श्रद्धालु से 20 अमेरिकन डॉलर की फीस लेना, पासपोर्ट लाजिम करना आदि मुद्दों का हल अभी तक नहीं निकल पाया है। कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से हताश आतंकवादियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने के लिए टारगेट किलिंग जैसी कायराना हरकत की है। इससे पहले टारगेट किलिंग की कई घटनाओं में कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया था।
लेकिन इस बार आतंकवादियों की गोली से मारा गया शख्स एक आम कश्मीरी मुसलमान था जो एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के निशाने पर दरअसल वो कश्मीरी पंडित दुकानदार ही थे, लेकिन वो बच गए और उनका सेल्समैन आतंकी हमले में मारा गया। आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान में बैठे उनके आका कभी कश्मीर का राग अलापते हैं तो कभी जेहाद का नाम लेते हैं, लेकिन क्या किसी बेगुनाह की हत्या करना कश्मीरियत है? क्या यह जेहाद है? सच तो यह है कि कश्मीर में आतंकवादियों की टारगेटेड किलिंग का शिकार चाहे हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन कत्ल तो कश्मीरियत का ही होता है। आतंकवादी कश्मीरियत के कातिल। ये क्या कर रहा था? आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूँ। ये तस्वीरें कश्मीरियत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश की गवाही दे रही है, वो साजिश जिसका ताना बाना पाकिस्तानी सेना और ISI तैयार करती है और जिसे अंजाम देने की जिम्मेदारी उनके इशारे पर काम करने वाले आतंकी संगठनों पर है। ये तस्वीर टारगेट किलिंग के जरिए कश्मीर में फिर से आतंक फैलाने के षड्यंत्र की दास्तान सुना रही है। संख्यक हिंदू और सिख भी हैं और बहुसंख्यक मुसलमान भी। आतंकवादियों के टारगेट पर जम्मू कश्मीर की रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों से आए गरीब मजदूर भी हैं। लेकिन पाकिस्तान की शह पर खून की होली खेलने वाले आतंकवादियों की गोली से मरने वाले शख्स का मजहब चाहे जो भी हो, लेकिन मौत इंसानियत की होती है, हत्या कश्मीरियत की होती है। श्रीनगर में मोहम्मद इब्राहिम के मर्डर ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया। श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में आतंकवादियों ने मोहम्मद इब्राहिम की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना सोमवार रात हुई। मोहम्मद इब्राहिम बांदीपुरा के रहने वाले थे और वो श्रीनगर में कश्मीरी हिंदू व्यापारी डॉक्टर संदीप मावा की दुकान में काफी समय से सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे थे। एक आम आदमी जो एक शॉप पर नौकरी करता है, वो आखिर आतंकवादियों की गोलियों का शिकार क्यों बना? उसकी हत्या आतंकवादियों ने क्यों की? इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन इस हत्याकांड में तीन बातें सबसे अहम है जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात, मोहम्मद इब्राहिम श्रीनगर के एक हिंदू कारोबारी संदीप मावा की दुकान पर काम करते थे। पिछले कुछ समय से आतंकवादी कश्मीर में सिविलियन हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। दूसरी बात, संदीप मावा माखनलाल बिंद्रू के रिश्तेदार हैं। माखनलाल बिंद्रू श्रीनगर के दवा व्यापारी थे। इसी साल अक्टूबर में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। माखनलाल बिंद्रू ने 1990 के दशक में आतंकवाद के सबसे बुरे दौर में भी कश्मीर नहीं छोड़ा। माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद उनकी बेटी श्रद्धा ने आतंकवादियों को खुला चैलेंज दिया था। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूँ। पत्थरबाजी से कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह आपको अच्छी सोच दे। तो आप लोग तो सिर्फ पैलेट्स और बुलेट्स और गन्स ही चला सकते हो, क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया। जिसकी जितनी औकात वो उतनी लेवल की बात करेगा। बात करनी है तो कम एट द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड देन टॉक। तीसरी और सबसे बड़ी बात, ऐसा कहा जा रहा है कि आतंकवादियों के निशाने पर शायद संदीप मावा ही थे, लेकिन वो बच गए और आतंकवादियों ने उनके कर्मचारी इब्राहिम की हत्या कर दी। हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले उस गमगीन परिवार के दर्द को महसूस कीजिए जिसे आतंकवादियों ने कभी नहीं भुलाने वाला जख्म दिया है। ये मोहम्मद इब्राहिम का परिवार है जहां मातम पसरा है। जो डॉक्टर संदीप मावा है, वो उसकी यहाँ पे बिजनेस जितनी भी है वो बड़ा वाइड रेंज ऑफ बिजनेस है, यही संभालता था सब कुछ। उसकी एक बच्ची है और एक बच्चा है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो मुझे बताओ कि क्या फायदा आ गया उसको कि उसको इस मतलब
इतने शरीफ आदमी को गोली मारने की। परिवार पूछ रहा है कि आखिर इब्राहिम का कसूर क्या था। वो एक शरीफ नागरिक था जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, फिर आतंकवादियों ने उसकी हत्या क्यों की? ये क्या करता था? जिस दुकान पर इब्राहिम काम करते थे उसके मालिक संदीप मावा ने जी न्यूज को बताया कि आतंकवादियों के टारगेट पर इब्राहिम नहीं बल्कि वो खुद थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आतंकी हमले का अलर्ट पहले ही दे दिया था, इसीलिए वो दुकान से चले गए थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि आतंकवादी इब्राहिम की हत्या कर देंगे। वहाँ पे था तो 3 बजे मुझे पुलिस ने एकदम बोला, सर प्लीज इनपुट है तो आप निकल जाइए। तो गलती से मैं आज अपनी गाड़ी के बदले मैं दूसरी गाड़ी ले गया, मेरी छोटी गाड़ी थी वो ले गया, तो मैंने जो मेन मेरी गाड़ी में वहीं रख गया। तो जो ही शाम को 8 बजे वो गाड़ी पे मेरा मैनेजर गया लाने के लिए, तो द मोमेंट ही एंटर द कार तो उसी वक्त उसको 4 बुलेट्स मारी गई थी। 5-6 मुलाजिम मेरे और भी वहां थे। इब्राहिम के परिवार के सदस्यों को भी लगता है कि आतंकवादियों ने कश्मीरी हिंदू कारोबारी संदीप मावा को मारने की साजिश रची थी, लेकिन इब्राहिम उन आतंकियों के निशाने पर आ गए। आतंकवादियों ने संदीप मावा की हत्या की साजिश रची थी, इसे लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि संदीप मावा का परिवार कई दशकों से आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। अक्टूबर 1990 में संदीप मावा के पिता रोशन लाल मावा पर आतंकवादियों ने हमला किया था। उन्हें आतंकवादियों ने 4 गोली मारी थी लेकिन वो बच गए। संदीप मावा के रिश्तेदार माखनलाल बिंद्रू की हत्या आतंकियों ने पिछले महीने कर दी थी। ये तरीका ठीक नहीं है, कोई हो सकता कोई आपका गिला बात करिए, लेकिन गोली मारदार से तो कोई अचीवमेंट होगा नहीं। और आप वो जमाना नहीं रहा कि आप माइनॉरिटीज को या मुसलमान को मार के आप अपनी दुकानें चलाएंगे, नहीं, हम सेक्रीफाइस करने को तैयार है। आप कल मिस्टेक इन आइडेंटिटी कर गए, आप आज क्लियर करिए आप मेरी आइडेंटिटी को, आपको पता है मैं कहाँ हूँ, आप मार सकते हैं लेकिन हम नहीं भागेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम की हत्या की जिम्मेदारी मुस्लिम जाबाज फोर्स नाम के संगठन ने ली, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। टारगेट किलिंग्स का यह सिलसिला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है, जिसे निपटने के लिए आज भी उपराज्यपाल के नेतृत्व में एक बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई। अब देखना यह होगा कि सुरक्षा एजेंसियां क्या रणनीति अपनाती हैं ताकि ये टारगेट किलिंग्स का सिलसिला थम जाए। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। कश्मीर में पिछले 2 दिनों के बीच टारगेटेड किलिंग की 2 घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही हैं। इस बीच कश्मीर में सुरक्षा हालात को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। कश्मीर में सुरक्षा को लेकर यह मंथन हुआ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर यह जो बैठक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण रही। जम्मू में हुई यह उच्च स्तरीय बैठक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर के DGP इस बैठक में शामिल हुए, IG कश्मीर और ADG जम्मू भी इसमें शामिल हुए, CRPF के स्पेशल DG और गृह सचिव भी शामिल हुए, और इसके बाद अब दिल्ली में भी होगी हाई लेवल मीटिंग। सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से मिटाने में जुटी हैं। आतंकवादी सेना का मुकाबला सीधे तौर पर तो कर नहीं सकते, इसलिए वो आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। आतंकवादी कभी रेहड़ी पटरी वालों की हत्या कर देते हैं तो कभी किसी मजदूर की कर देते हैं। दरअसल आतंकवादी किसी भी कीमत पर कश्मीर में फिर से दहशत फैलाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनकी ये साजिश कामयाब नहीं हो सकी। कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। आतंकवादी संगठन हताश है, उनके पाकिस्तानी आका परेशान है, क्योंकि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में शांति और विकास का नया सूर्योदय हुआ है। लेकिन नया कश्मीर पाकिस्तान को कांटे की तरह चुभ रहा है, इसलिए उसने आतंकवादी संगठनों को कश्मीर में नए सिरे से हिंसा फैलाने का हुक्म दिया है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से घबराए आतंकवादी अब टारगेट किलिंग को नया हथियार बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की 2 घटनाएं हुई हैं। रविवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर के बटमालू में एक पुलिसकर्मी तौसीफ पर हमला किया जिसमें वो शहीद हो गए, जबकि सोमवार को सेल्समैन मोहम्मद इब्राहिम खान की हत्या कर दी गई। सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां
इब्राहिम और तौसीफ के कातिलों की तलाश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हत्यारे आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में मोहम्मद इब्राहिम खान की पीठ पर वार किया और निहत्थे बेगुनाह बेकसूर मोहम्मद इब्राहिम खान की हत्या कर दी। इन हत्यारों को जमीन के पाताल से भी निकाल निकाल के इनको मौत के घाट उतारेंगे। कश्मीर में अक्टूबर और नवंबर में अब तक 15 लोग टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं। इसमें कश्मीरी पंडितों के अलावा मुस्लिम भी शामिल हैं। मोहम्मद इब्राहिम की हत्या से पहले आतंकवादी कई बेगुनाह नागरिकों की जान ले चुके हैं। इसमें श्रीनगर में मेडिकल शॉप चलाने वाले माखन लाल बिंद्रू, टीचर दीपक चंद, प्रिंसिपल सुपिंदर कौर, स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान, गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले अरविंद कुमार, मजदूर सगीर अहमद और बीजेपी कार्यकर्ता मोहम्मद शफी जैसे लोग हैं जिनकी हत्या आतंकवादियों ने की। यानी कश्मीर में आतंकवादी अल्पसंख्यकों को खास तौर पर टारगेट किलिंग का निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो मुस्लिम समाज के ऐसे लोगों के खिलाफ भी साजिश रच रहे हैं जो राष्ट्रवादी हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ राज्य के लोगों में भी भारी गुस्सा है। श्रीनगर में लाल चौक पर आतंकवाद विरोधी प्रदर्शन किया गया। लोगों ने टारगेट किलिंग में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद पर अंकुश लगाने की मांग की। उधर जम्मू में आज डोगरा फ्रंट ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। नाराज प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी की। जब तक एक बालाकोट नहीं होगा, जब तक 70-65 की जंग नहीं होगी, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को एक अच्छा लेसन देने के लिए एक वार की जरूरत है आर्या पार। जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 3 दशक से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहे हैं, लेकिन अब इसे और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। लोगों को इसकी मार मार कर ये अपना दिखा रहे हैं कि जो 30 साल से हमने ये किया है वो हमारा उनका एक गढ़ जो कश्मीर में है वो जिंदा रहे, इसीलिए हमारी मेंटी को ख़त्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। 370 और 35 से हटने के बाद वैली में जो एक शांति वाला माहौल बन रहा था उसे बिगाड़ने के लिए इस तरह की टारगेट किलिंग की जा रही है ताकि आतंकवाद अपनी प्रेजेंस दुनिया को दिखा सके। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठान लिया है कि वो आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे। इस ब्रूटल किलिंग के और पाकिस्तान की इन हरकतों के खिलाफ ग्राउंड पर आकर के इसका अपोज करना चाहिए ताकि ये इस्लामिक उग्रवाद एक ही बार खत्म हो जाए पाकिस्तान की शाही पर जो दौड़ रहा है। दरअसल आम नागरिक आतंकवादियों के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इन पर हमला करना आसान होता है। इसीलिए सेना के पराक्रम से बौखलाए आतंकवादी अब बेगुनाह लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में टारगेट किलिंग को रोकने के लिए सेना और सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। टारगेट किलिंग का गुनहगार कोई भी पुलिस और सुरक्षा बलों के रडार से नहीं बच सकता। इसी बीच जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। श्रीनगर से लेकर मुंबई तक विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार दावे करती रहती है कि पोस्ट अगस्त 5, 2019 हालात ठीक होने को आ रहे हैं, ऐसा कुछ वैसा कुछ लिख नहीं रहा है। हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। केंद्र के नियंत्रित में जम्मू कश्मीर है, ना आतंकवाद रुक रहा है, ना निर्दोष निहत्थे नागरिकों की हत्या रुक रही है। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की नाकामी है। राजनीति करना राजनेताओं का काम है, लेकिन हर पार्टी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर दल नहीं देश की नजर से सोचना चाहिए। जम्मू से राजू केरनी, दिल्ली से मनीष शुक्ला और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कश्मीर में पिछले 3 महीने में टारगेटेड किलिंग में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ आंकड़ों पर आप नजर डालिए। अगस्त 2021 में 4 लोगों की हत्या, सितंबर 2021 में 2 लोगों की हत्या, अक्टूबर 2021 में 12 लोगों की हत्या, इस महीने अब तक 3 लोगों की हत्या, इस साल अगस्त से लेकर अब तक 21 लोगों की हत्या। लेकिन सुरक्षा बलों का जोश भी हाई है और आतंकियों का सफाया भी जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.